मैं श्रीकांता मणियार आचार्य अकेडमी आयोजित वाचाल तर वाचाल में भगवत गीता का सारांश बता रही हूँ। प्रश्न पूछने वाला निर्दोष हो और जवाब देने वाला समर्थ हो तब गीता का प्राकट्य होता है। गीता भगवान की वाणी है, गोविंद का गीत है, विषाद का प्रसाद है, कृष्ण का तत्व विज्ञान है। भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले उपदेश के रूप में भगवत गीता सुनाई। जब अर्जुन अपने कर्तव्य पद से हटकर युद्ध न करने का निर्णय ले चुका था तब भगवान ने एकादशी के दिन 7000 वर्ष पूर्व 45 मिनट में रविवार को भगवत गीता सुनाई। चारों वेदों का संक्षिप्त रूप यानी गीता। गीता में ज्ञान, ध्यान, बुद्धि, कर्म, भक्ति आदि योग का उपदेश है। योग यानी अपनी चेतना को उस परम आत्मा से जोड़ना। श्री कृष्ण प्रेम और ज्ञान का दीपक जलाकर कर्मकांड का विरोध करते हैं, यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन को बल देते हैं, जो आज के युग की बहुत बड़ी जरूरत है। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिय, इंद्रिय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा यानी परमात्मा, यानी हर एक के हृदय में परमात्मा को देखना। भगवान की केवल इच्छा से सबका सृजन, धारण, पालन और संहार होता है। आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है। भगवान ने तीनों गुणों का वर्णन किया है, सत्व, रजस और तमस। जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन जब वो जन्म लेता है तब प्रकृति के साथ मिलकर संसार के बंधन में बन जाता है। सत्वगुण सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर पागलपन की हद तक बांधता है। भगवान ने कर्म के तीन प्रकार बताए हैं। कर्म, सारे कर्म कृष्ण के लिए। अकर्म, फल की अपेक्षा न करते हुए किए हुए कर्म। विकर्म, मनुष्य कृष्ण भावनामृत से रहित मन चाहा काला कर्म करता है। मनुष्य जीवन अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है। भगवान के आदेश के विरुद्ध काम करना ही मनुष्य का सर्वोच्च अपराध है। जो व्यक्ति भगवान के आदेशानुसार काम करता है तब वो वध करते हुए भी वध नहीं करता, ना ही वध का बुरा फल मिलता है उसे। भगवान कहते हैं मन मना भव, यानी कि मन को मेरे हवाले करो, धर्म से जोड़ो। अधर्म पर धर्म की विजय ही गीता का सार है। गीता में 18 अध्याय है, 18 अक्षौणी सेना है, 18 दिन युद्ध चला, 18 महारथी थे, 18 पर्व है और युद्ध के अंत में भी 18 ही योद्धा बचे थे। सच कहूँ तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए भगवत गीता का ज्ञान दिया। सुख, शांति, विपत्ति, संकल्प तक पहुंचने का मार्ग सब कुछ गीता में है। हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन स्वार्थ के लिए तो गीता पढ़ सकते हैं। यश, अपयश, सुख दुख से ऊपर उठने का बल मिलेगा। संसार क्या है? वस्तु पाया सुखी हुआ, नहीं पाया दुखी हुआ, शत्रु बनाया भयभीत हुआ, असफल हुआ निराशा से घिर गया। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो इन सब से ऊपर उठता है। वो जानता है मेरी चिंता करने वाला ऊपर बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं। वो हर परिस्थिति में संतुष्ट और सुखी रहता है। जब तक शुद्ध भक्त या सत गुरु नहीं मिलते तब तक गीता की संगति करनी चाहिए। चिंता नहीं करनी पड़ेगी, भगवत कृपा से सारी परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। जिसे असीम आनंद की प्राप्ति करनी है उसे गीता की शरण में जाना चाहिए। मेरा तो यही अनुभव है। गीता अमृत है, पीकर देखो। उठाओ गीता और पढ़ना शुरू करो। ये वीडियो देखकर अगर एक व्यक्ति को भी गीता पढ़ने की इच्छा हुई तो ये वीडियो सार्थक हुआ। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। धन्यवाद।